गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, पहला, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज मैं हूँ अपने विद्यालय में फिर से, और आज जो है हमारे यहाँ पे विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी और मेला ड्रामा का आयोजन हो रहा है, जिसमें विभिन्न स्कूलों के इस पूरे ब्लॉक के बच्चे आए हुए हैं, और हम आपको इस ब्लॉक में दिखाएंगे कि बच्चों द्वारा कैसे विज्ञान के नए नए मॉडल बनाए गए हैं। तो जुड़े रहेगा। यहाँ पे मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का विधि का शुभारंभ किया जा रहा है। छात्रों द्वारा स्वागत गीत का किया जा रहा और अपने देश के विकास में, उन्नति में कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित है विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय, विभिन्न विद्यालय से आए हुए हमारे शिक्षक साथी, संभवतः आपने प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में स्वागत है और अभिनंदन है। मंच का संचालन कर रहे कर्मठ शिव, जो बच्चे आएंगे वो क्लास 9 से लेकर 12 तक का डिग्री बनने पड़ सकेंगे। कार्यक्रम के निर्णायक मंडल, प्रतिभागी छात्र छात्रा, जैसा कि आप सबको पता है कि आज हम सभी यहाँ विज्ञान कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने वाले हैं। साथ ही टीचर पीछे बैठे हुए हैं, पिछली रो में सभी शिक्षक जो भी आना। तो गाइस, आप देख रहे हैं मेरे साथ हैं हमारे सीनियर टीचर डॉक्टर भावना मैम और दीपा मैम। तो आज इनको एक अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली है यहाँ पे विज्ञान महोत्सव में। आपके पास क्या जिम्मेदारी है, खुद बताएंगे? हमारे रजिस्ट्रेशन करना है और रिजल्ट कंपाइल करना है प्रदर्शनी का, जिसमें 60 टॉपिक्स हैं। वेरी गुड। तो हमारे यहाँ पे ना ब्लॉक में 20-25 स्कूल है, इंटर कॉलेजेस, हाई स्कूल, तो उनके बच्चों का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे होना है। तो दिखाते रहेंगे आपको आगे भी, जिनके मार्गदर्शन में एक बच्चा बहुत अच्छा मॉडल बना के लाया है अपनी प्रदर्शनी के लिए, और उसके फॉर्म सबमिट हो रहा है। नए नए बच्चे यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी ड्यूटी भी यहीं लगी हुई है। तो गाइज, यहाँ से देख रहे हैं आप सारे बच्चे जो हैं अपना जूनियर सीनियर और अपने अपने विज्ञान प्रदर्शनी और ड्रामा के कक्षों में की तरफ मूव कर रहे हैं। सर ड्रामा, जिसको ड्रामा में रजिस्ट्रेशन कराना है वो यहाँ संपर्क करें। हाँ, श्री आरसी चौहान जी, वरिष्ठ प्रवक्ता भूगोल, और साथ में है श्रीमती पुष्पा मैम। हेलो मैम, कोई ड्रामा नहीं, भी हमारे बीच में पहुँच गए हैं। देख रहे हैं आप कि कैसे ऑर्गेनिक खेती को हम बढ़ावा दें। ऑर्गेनिक खेती जो आज से 15-20 साल पहले हमारे गांव घर में होती थी, देख रहे हैं आप, सुंदर बैलों की जोड़ी, किसान जो है हल जोत रहा है, और उसके साथ साथ इसमें कैसे आसमें। अच्छा अच्छा, मतलब खीर दी जाएगी नहीं? हाँ, अच्छा, ग्रेट। कौन से स्कूल से आप, क्या नाम है आपका? सोनू प्रसाद। कौन सा स्कूल है? वेरी गुड, ऑल द बेस्ट बच्चों। थैंक यू। तो आप क्या है, ये क्या नाम है आपका? दिव्यांशु। गुड, क्या बनाया आपने? पवन चक्की मोटर। हाँ, ये देख रहे हैं आप, पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा को बनाना। दिव्यांशु पृष्ठ है, कक्षा 11 के हमारे स्कूल के छात्र हैं, और कैसे काम करेगा ये बताइए आप मुझे। जब इधर से हवा आएगी तो कैसे टरबाइन घूमेंगे, और स्ट्रीट लाइट वगैरह ऑटोमेटिक जल जाएंगे। वेरी गुड, गुड, ऑल द बेस्ट, गुड लक। रोड पे जल गई हैं, आप देख रहे हैं गाड़ियों की कतार है और लाइटें जल चुकी हैं। बहुत वेरी गुड, अलग अलग प्रकार की लाइटें जल रही हैं इसमें। वेरी गुड, गुड लक बेटा, वेरी गुड। तो एक और हमारे पास प्रोजेक्ट है सूचना और प्रौद्योगिकी में उन्नति का, और ये बनाया है इस छोटी बालिका ने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम काजल है। वेरी गुड। तो आप बताएंगे हमें कि आपने प्रोजेक्ट किस विषय में बनाया है, और क्या इसमें आप दिखा रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में? मैंने
रुझान प्रौद्योगिकी में उन्नति का बनाया ताकि पहले हमारे जमाने में कैसा था और आज हमारे जमाने में कैसा है। बिल्कुल, ये दो पार्ट आप देख रहे हैं वीडियो में। शाम तक जाते थे या उसमें कई महीने या कई दिन भी लग जाते थे जिससे हमारा वक्त भी बर्बाद जाता था। वेरी गुड। लेकिन आजकल के माध्यम में हम जानते हैं कि व्हाट्सएप या फेसबुक पर से हम सब एक स्थान से दूसरे स्थान पर सिर्फ मैसेज के जरिए हम। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देख रहे हैं आप सीनियर वर्ग में स्वास्थ्य और स्वच्छता पे के कुछ प्रोजेक्ट हैं यहाँ पे हैं। हम बारी बारी से बच्चों के पास आएंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या क्या आपने बनाया है। अपना नाम बताइए, कौन से स्कूल से हैं आप? मेरा नाम दुर्गा पांडे है, मैं से हूँ। वेरी गुड। तो बच्चों क्या बनाया आपने, ये क्या बताना है, इसमें क्या मैसेज जा रहा है? मैंने यहाँ पे स्वच्छता स्वास्थ्य के ऊपर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के बना रखा है। यूज हो रहा है कैसे, मतलब पहले तो हमें गंदगी भी करनी है। अच्छा, अगर गंदगी करेंगे तो इससे हम लोग बीमार होंगे। और ये नहीं कि सिर्फ एक ही जो झाड़ू मारने वाला है कोई उठाकर गंदगी को फेंकेगा, या सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी बनती है। देख रहा हूँ कि कुछ आपने डस्टबिन बना रखे हैं और इसमें कुछ लिखा है तो प्लास्टिक, मतलब हमें तीनों चीजों के अलग अलग डस्टबिन बनाए। आपने एक अच्छा मैसेज दे रखा है, बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं आपको। जितना हमारे सामने है और काफी ग्रीनरी पूरा सजा रखा है इसको। और बताइए आप अपना नाम बताइए और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम प्रियंका मेहरा है। हाँ, तो प्रियंका आपने क्या बना रखा है बेटा ये, और क्या क्या आप इसमें बता रहे हैं इसमें? मेरे टॉपिक का नाम है हेल्थ एंड क्लीनिंग। अच्छा, हेल्थ एंड क्लीनिंग, क्लीनता बहुत जरूरी है। वेरी गुड। ऑक्सीजन ले रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो चुका है। हाँ, स्वच्छ ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे। अच्छा, तो इसलिए हम इसमें प्रोजेक्ट में ये दिखा रहे हैं कि अगर हम कहीं भी रहें अधिक से अधिक पेड़ पौधे भी लगाएं। क्या नाम है आपका? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जतिन गर्जोला। हाँ सर, फ्रॉम जयसी। वेरी गुड बेटा, तो आप बता देंगे मुझे, बहुत शॉर्टली बताना है आपने कि आपने क्या बनाया है, क्या दिखा रहे हैं आप इसमें? सीवेज वाटर ट्रीटमेंट। अच्छा, हम देखते हैं कि जो फैक्ट्रीज होती है या इंडस्ट्रीज होती है वो वाटर यूज़ करती है। हाँ, जो वेस्ट वाटर होता है उसमें बहुत सारी कंटेमिनेटेड गैसेज होती है और वेस्ट होते हैं वो उसे दूसरी नदियों में प्रोवाइड करते हैं। वो गलत है। मोटर है, उसे सेंट्रीफ्यूगल मोटर भी कहते हैं। यहाँ पर हम सीधे जैसे पानी डालेंगे तो ये पानी यहाँ से ऊपर आएगा। तो ये पानी जैसे मान लीजिए अगर खराब, हाँ चलिए, तो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से ये चले जाता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। हाँ, ये रिसीविंग चैनल है। यहाँ जो वाटर आएगा उसमें सब कुछ होगा, वेस्ट मटेरियल जो भी सब कंटेमिनेटेड, यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होता है। ये है स्क्रीनिंग एंड ग्रिड चैम्बर। स्क्रीनिंग ये जाली है, इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो यहाँ गए और उसके बाद ये इसके आगे पानी जाएगा हमारे थर्ड चैम्बर में जिसका नाम है स्कीमिंग टैंक। स्कीमिंग टैंक में ऐसा होगा हमारे एक एयर डिफ्यूजर्स लगे होंगे जो बबल्स प्रोवाइड करेंगे हमें, जिससे हमारा जो ऑयल ग्रीस ये सब चीजें हैं वो उनमें मिक्स हो जाएंगी, तो वो बबल्स के साथ ऐड हो जाएंगे और पानी के नीचे। उसके बाद आएगा हमारा प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, जो ग्रिड चैम्बर नहीं कर पाता है यहाँ पर। हाँ, वो तो बड़े बड़े पत्थर ले लेता है पर छोटे छोटे पत्थर भी तो होते हैं, वो उन्हें जैसे कार्बन जो हमारे आंख में सकती है। तो इस चैम्बर में जो वाटर होता है वेस्टवाटर उसको ऑक्सीजन वायु से हमें निकल जाएंगे और यहाँ से जो वाटर सीख जाएगा। सर हमारा आता है डिसइंफेक्शन चैम्बर, ये सबसे मेन चैम्बर है। अच्छा, इसके बगैर पूरा हमारा ये जो है प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल बेकार है। अच्छा, इसके अंदर ऐसा होगा कि जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्लीचिंग पाउडर वगैरह कुछ भी। वेरी गुड, वेरी गुड। फिर जाके जो ये पानी जाएगा हमारा जाएगा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन चैम्बर में। डिस्ट्रीब्यूशन चैम्बर में तो चले गया हमारे पास सबसे मेन चीज ये है, टेस्ट करेंगे इसमें। हम टेस्ट करेंगे वाटर का कि इसका पीएच लेवल ठीक है, सीओडी ठीक है, बीओडी ठीक है कि नहीं। अगर ये इन सभी एक्सपेरिमेंट में फिट बैठा तो हम मानेंगे कि ये वाटर क्या है। 2 से 3 हफ्ते लगे, 2 से 3 हफ्ते बहुत ज़्यादा। देख रहे हैं आप तो कितना मेहनत से बच्चों ने, ये बाल वैज्ञानिक हैं जिन्होंने पानी को लेकर इतनी चिंता दर्शाई। मेरा नाम सुनील सिंह है, मैं इंटर कॉलेज डोकरा। चलिए आपका भी स्वागत है, वेलकम है यहाँ पे। तो आप बताएंगे बेटा ये क्या बना रखा है आपने, ये दिख रहा है अंदर का पार्ट है बॉडी का ये। हाँ, ये मानव उत्सर्जन तंत्र है। हाँ, एक मुझे ये किडनियाँ भी दिख रही है कुछ, ये सर ये मूत्र होके मूत्र जाता है तो कैसे तो आपने क्या बेटा कूलर टाइप का कुछ यहाँ बताइए क्या है? बैठ के बताओ, बैठ के है यहाँ पे। हाँ, अच्छा चलेगा ये, क्या बात है। तो ये इसका यूज़ क्या बता रहे हैं आप, मतलब कूलर तो हवा तो फेंक ही रहा है, इसमें आइस बॉक्स भी दिखा हुआ है, क्यों? ये बर्फी जमाएगा इसके साथ ये? अच्छा, जैसे आप मेहनत कर रहे हैं इसमें। गुड, वेरी गुड बेटा, ऑल द बेस्ट। वेरी गुड। ये तो हमारे विद्यालय के छात्र हैं और यहाँ पे इन्होंने लिखा है जल संरक्षण। तो बेटा आप मुझे बताएंगे कि आप कैसे पानी को बचा रहे हैं इसमें, शॉर्टली बताना है बहुत जल्द।
बहुत टेस्ट वाटर जाता है तो सर ये नीचे सीखता है, सर सीखते ही मोटर में जाएगा तो ये मोटर इसको फिल्टर में भेजेगी, फिल्टर इसको फिल्टर करके इस टैंक में रखेगा और जो ये फिल्टर है ये सोलर पैनल से चलेगा, सोलर पैनल का ये पावर कंट्रोल है। और सर दूसरी बात ये कि नाम लिखा हुआ है और स्कूल में पानी की जो किल्लत हुई थी ना उसको दूर करने का प्रयास कराया कि भविष्य में पानी को मतलब जो वर्षा का जल उसको कैसे संग्रहित करके शुद्ध करके हम पीने योग्य बनाएंगे। वेरी गुड। और नवाचार के साथ ऐतिहासिक विकास वाले प्रोजेक्ट के कक्ष में हम आ रहे हैं, यहाँ पे भी कुछ प्रोजेक्ट रखे हुए हैं तो यहाँ पे बात करेंगे हम। वेरी गुड। क्या बनाया आपने? कैसे कैसे कर रहे हैं आप इसमें काम, कैसे करेगा? आप एक और प्रोजेक्ट है, समझ नहीं आ रहा मुझे क्या है ये, इन्हीं से पूछते हैं जिसने बनाया है। क्या नाम है आपका, कौन से स्कूल से हैं आप लोग? गुड। तो बताएंगे बेटा इसको क्या प्रॉब्लम थी। हमारी प्रॉब्लम ये थी कि वो जो हमारा लैंडर था वो हमारे स्टेबल नहीं था, वो अनस्टेबल था, 90% स्टेबल था लेकिन उसका हमारा जब इसरो ने यहाँ से छोड़ा था तो कुछ देर तक तो वो दिखा गेम करें ताकि हम चंद्रयान 3 बनाए तो हमारा मिशन जो हो वो सेफली हो सके और पूरा मिशन हमारा कम्प्लीट हो सके। वेरी गुड बेटा। और ये हमारी लैंडर का डोर है। अच्छा, अब से हमारी ये हमारा लैंडर वो डोर हमारा रोवर है, ये हमारी रोवर निकलेगी यहाँ से, ये हमारी रोवर निकलेगी और ये जो हमारी रोवर है इसमें हमारे यहाँ पे सेंसर कैमरे लगे हैं जिससे बाहर सेंस करेगी पूरी फोटोज व्यूज जो हमें पहुँचती है और हमें कुछ उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसके बारे में भी हमें इन्फॉर्मेशन इससे मिल सकती है। मिले आप बाल वैज्ञानिकों से जिनकी बहुत दूरगामी सोच है हमारे देश के प्रति। ऑल द बेस्ट बच्चों। थैंक यू सर। गुड लक। प्यारे बच्चों, कितना समय इसको बनाने में लगा, प्रोजेक्ट को कितनी मेहनत लगी, कितना कॉस्ट इसमें आया? सर इसका कॉस्ट है 170 रुपीज़। अच्छा, और हमने कल 12 बजे से स्टार्ट किया है, 9 बजे हमने एंड। वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छा। वेरी गुड बेटा। बहुत सारा कूड़ा कचरा रखा हुआ है इन्हें, पता नहीं क्यों समझ नहीं आ रहा है। अभी इनसे पूछते हैं इन्हें कूड़ा कचरा क्यों जमा कर रखा है, पुरानी बोतलें वगैरह क्या है बेटा ये? कौन से स्कूल से? अपना नाम बताइए पहले। राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कनकपुर। कनकपुर। बेटा क्या है ये सब कुछ, कूड़ा कबाड़ा सब कुछ क्या है? फीड बनाएंगे मसाले की, इसको इसके अंदर मतलब वातावरण बचाने के लिए ना हम पॉलिथीन वगैरह जो होती है पिनिया। अच्छा, इसके अंदर जो है बोतल है जी, ये देखिए किसी किसी में इंडिकेटर लगा है इनमें सब में। अच्छा जी, इनमें इसको बना सकते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। बहुत अच्छा बेटा, बहुत बहुत मेहनत कर रखी है आपने। तो एक और प्रोजेक्ट हमारे बीच में है और हमारे विद्यालय के छात्र हैं दिवस पंत। एक जगह में बहुत सारी फसल लगा सकते हैं हम, एक ही एरिया में हम बहुत सारी खेती कर। ये जगह है, इसमें कोई ज्यादा खतरा लगेगा तो इसमें लाइट लगेगी, कोई अलार्म बजेगा तो ये बच जाएगा, जो भी माली है तो ये बहुत सॉल्व कर रखी है। आप कभी कभी धूप नहीं आती है तो बहुत चक्की रखी है। अच्छा, ठीक है ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड। बहुत अच्छा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ गाड़ी सा डिजाइन किया हुआ है उन्होंने, कुछ टायर लगे हुए हैं, कुछ बैटरियाँ लगी हुई हैं इसमें और नाम है इनका अभिनव। क्या आएगा इसके आगे? अच्छा, ऑटोमेटिक रुक जाएगी स्मार्ट कार, तो उसके बाद क्या होगा फिर जब वो हटेगा हाथ तभी आगे बढ़ेगा खुद? मतलब अगर इसके आगे कुछ आएगा तो अपने आप मूव होके कहीं और चले जाएगा। चलो ठीक है, गुड लक बेटा। वेरी गुड। संकेत गौतम जी, कौन से स्कूल से? आशा निकेतन हाई स्कूल। वेरी गुड बेटा। कितना समय लगा इसको बनाने में, कब से आप इसकी तैयारी कर रहे थे बेटा? मैं इसकी 2.5 महीने से तैयारी। वेरी गुड बेटा। देखिए बेटा, तो आप देख रहे हैं ब्लॉग में मेरे इस वीडियो में कि कैसे बच्चे ने 2 से 2.5 महीने की तैयारी के बाद एक सुंदर सा प्रोजेक्ट आप सबके बीच में रखा है। और आप बेटा बताएंगे मुझे आप क्या इसमें आप दिखा रहे हैं इसमें सब कुछ क्या? इसमें हम दिखा रहे हैं कि मतलब जब जैसे ट्रेन आती है हाँ, तो एक्सीडेंट के लिए हमने ये बनाया, जैसे पैदल लोग चलते हैं या फिर किसी रास्ते पर फाटक लगे हुए नहीं होते हैं हाँ, तो हमें एकदम सचेत करने के लिए ये बनाया हुआ है। अच्छा, तो इसका यूज है यहाँ पे सायरन और अलार्म की आवाज़ आ रही है जो अलर्ट है, इससे जो जानवर होते हैं। अच्छा, जानवर इससे अचानक से होकर चले जाएंगे। मुझे चिंता है, सीनियर वर्ग का यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है। स्कूल से आप? कमल कम कैसे यूज़ करें? देखो कितना प्यारा बना रखा है इन्होंने वाकई में। तो बेटा कितना समय लगा इसको बनाने में? पिछले 1 हफ्ते से मतलब आप इसकी तैयारी में थे। वेरी गुड बेटा, ऑल द बेस्ट। मन वर्मा, हाँ बेटा क्या बना रखा है आपने? आग लग जाती है उसको हाँ, एक प्रकार की बीप की आवाज़ आ रही है
ये अलर्ट कर देगा कि शायद कहीं आग लग गई है और हमें वहाँ से सुरक्षित स्थान में निकलना है। 9-10 है बेटा, क्या बना रखा आपने? ये नीचे क्या इसमें दिखा रहे हैं आप? अच्छा, बरसा के पानी को यहाँ से फिल्टर होगा, फिल्टर होने के बाद इस वाटर टैंक में। बेटे कौन से स्कूल से हैं? कालाडू। वेरी गुड बेटा, तो आपने इतना बड़ा बड़ा सा लिखा है इसमें पर्यावरण संबंधी चिंताएं, यानी जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके लिए आप अभी से चिंता कर रहे हैं ना। कैसे हमारे इन्वायरमेंट पहले की अपेक्षा आज बिगड़ रहा है, लगातार असंतुलन तो हो रहा है ना हर चीज़ का, तो इसमें क्या दिखा रखा आपने बेटा? सर जो यहाँ की गंदगी है सभी यहाँ नदियों में जा रही है। पानी है वो नदियों में जा रहा है। हाँ, आजकल तमाम तरह की बीमारियाँ हो रही हैं, खान पान से खराब गलत उससे ज़्यादा हो रही है। और आपने देखा वेस्ट मेटल भी पड़ा बोतल वगैरह, देखिए गौ माता बना रही आपने वो चिप्स खा रही है, तो ऐसे हमें रोडों पर कोई भी कूड़ा प्लास्टिक नहीं करना। चलिए, ऑल द बेस्ट बच्चों, गुड लक। बगड़ जी, क्या बना रखा आपने? गोबर गैस प्लांट है। ओह गुड, सहायता से हम बिना कोई प्रदूषण के, बिना कोई ध्वनि प्रदूषण वायु प्रदूषण के हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, जैसा कि देख रहे हैं आप इस संसाधन, मुझे बता दो इसकी सहायता से हम बिना किसी प्रदूषण के ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। कैसे आप कर रहे हैं इसमें यूज, मतलब गोबर कहाँ डालेंगे इसमें? देखिए यहाँ से वाटर और गोबर का जो मिक्स है वो गैस टैंक पाएंगे, तो यहाँ से हम उसको अपने यूजेस के लिए, हाँ घर पे भी हम खाना बनाने के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा? इसके अलावा अगर हमें बाई चांस ये टैंक भर गया, हमें इसके, हम इसे यहाँ से निकाल सकते हैं इस टैंक के। अच्छा अच्छा, वैसे विद्यालय के छात्र हैं, बहुत अच्छा मेहनत से बनाया आपने बेटा। मेरे मॉडल का नाम है सोलर पावर इरीगेशन सिस्टम। क्या काम कर रहे हैं इसमें आप, कैसे? इसमें हम सोलर पैनल से, ये सोलर पैनल है यहाँ पावर हाउस में बैटरी चार्ज करेगा, और हम किसानों के खेत में ये पंप लाएंगे, और सर ये पंप को, ये जो पंप है अंडरग्राउंड वाटर खींचेगा सर, ये ग्राउंड वाटर है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, हम जब ये बैटरी लाएंगे तो ये पानी खींचेगा और फिर इससे टैंक भरेगा और ये टैंक से खेत में पानी आएगा। ओह गुड, अच्छा 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 अच्छा, और सर टैंक, उसके बाद टैंक भरेगा सर। हाँ, इसको हम पहले टैंक को भर लेंगे, उसके बाद हम जब मर्जी चाहें इसको यहाँ से यूज कर सकते हैं खेती के लिए, राइट? ठीक, तो इसमें मतलब, अरे गुड, आप तो यहीं के स्कूल के ही हैं पास के, तो भूमिका आपने क्या बनाया बेटा? मैंने वो बनाया कि फॉरेस्टेशन है, ये है डिफॉरेस्टेशन, जहाँ जो हमारा देश है वो ऐसा होते जा रहा है धीरे धीरे, तो इसमें बदलना चाहिए। बिल्कुल, तो फ्यूचर के लिए इन्होंने चिंता करी है, बाल वैज्ञानिक हैं ये, इन्होंने फ्यूचर के लिए चिंता करी है कि आने वाले समय में अगर हम निरंतर पेड़ों का दोहन करते रहेंगे, काटते रहेंगे पेड़ों को, तो एक समय ऐसा आएगा कि हमें ऑक्सीजन लेने के लिए और पेड़ देखने को नहीं मिलेंगे, राइट? चलिए ठीक है, सीनियर वर्ग का हमारे लिए गणित, हाँ तो देख रहे हैं आप विभिन्न प्रकार के मॉडल इन्हें बनाए हुए हैं, तो इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है, आपका कौन से स्कूल से हैं आप? मेरा नाम स्नेहा शर्मा है, मैं GGHS कनकपुर स्कूल से। कनकपुर, तो बेटा आपने क्या बनाया है ये मुझे बताएंगे आप? सर ये है ट्रिग्नोमेट्री की टेबल है ये। अच्छा, मतलब हाँ त्रिकोणमिति, हाँ वेरी गुड सर। ये इसके मान दे रखे हैं जैसे कि, अच्छा इसमें हम इजीली मान ढूंढ लेंगे कि साइन कॉस टेन कॉट्स एक कॉस एक का मान। मतलब जो छोटे बच्चे हैं उन्हें मतलब पहाड़े वगैरह इतनी जल्दी याद नहीं रह पाते हैं। अच्छा, तो उन्हें ये सिखाने के लिए है। वेरी गुड बेटा, इजीली मतलब जैसे ये है, इसे हमें मतलब जैसे चार का पहाड़ा निकालना है, तो हमें जैसे चार पंजे निकालने हैं, तो हम चार, क्या बना रखा बच्चा आपने? तो कैसे इसका यूज हो रहा है यहाँ पे, ये वैल्यू निकाल रहा है ना? अच्छा, ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अच्छा, जहाँ पे हम इस पॉइंट को रखेंगे, साक्षी रौतेला कौन से स्कूल से? राजीव गांधी नवोदय विद्यालय। गुड, आपने क्या बनाया बेटा? कैसे यूज हो रहा है इसका? मशीन से यहाँ पे ये किस नंबर का स्क्वायर है और इस नंबर को स्क्वायर करने के बाद क्या मिलता है? अच्छा अच्छा अच्छा, 3 का स्क्वायर जैसे 9 आ रहा है। हाँ, तो है बेटा आपका नाम? आचराना, और मैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कालाडूंगी से आई हूँ। वेरी गुड, मैंने रेखीय बिंदु से रेखीय संख्या ज्ञात करना इस मॉडल के थ्रू आपको समझाऊंगी। क्या बात, लेकिन हमारे पास जब कम बिंदु होते हैं तो उनसे निकलने वाली रेखा तो हम आसानी से, इस मुश्किल को दूर करने के लिए मैंने इस मॉडल को तैयार किया है। जैसे हमारे पास अभी 2 बिंदु हैं, तो इनसे निकलने वाली रेखा का हमें पता है कि 1 होगी, जिस तरह
लेकिन सर जैसे हमारे बिंदु बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनकी संख्या भी इनकी रेखा बढ़ती जाएगी, उनकी संख्या हमें निकालना थोड़ा मुश्किल रहेगा और उनको याद करने में थोड़ा ज्यादा समय तो हमारे पास चार प्राप्त होगा, चार को हम पांच से बुरा करेंगे तो हमारे पास 20 प्राप्त होगा और 20 का हाफ करेंगे तो हमारे पास 10 रेखा खंड प्राप्त होगी जो कि से निकली 10 रेखा खंड हमारी बनी। चलिए वेरी गुड वेरी गुड। और तो ये हमारा अच्छा संपूर्ण हो गया। ठीक ठीक ठीक। समझा सकते कि एंगल की आकृति कैसे होगी। वेरी गुड बेटा वेरी गुड। तो कितना समय आपको लगा बेटा इसको? आप लूडो खिलाते हैं, आपको कुछ खेला है लूडो? वूडो देखो आप देख रहे हैं सांप सीढ़ी लूडो बना हुआ है। बचपन में हम शतरंज खेलते थे, बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन ये खेलने का नहीं है शायद। इसके साथ इसके पीछे कुछ लॉजिक है या कुछ ट्रिक है या कुछ मैथ्स है छिपी हुई है इसके अंदर, हो सकता है। आप लूडो और बना हुआ है सांप सीढ़ी बनी हुई है, सांप सीढ़ी खेलते हैं जिसमें बच्चों को गिनतियां याद होंगी, हाँ। 1 2 3 4 ऐसे करके चीक, बच्चे सीखेंगे। चेस में हम खेल खेल में बच्चों को टेबल भी लर्न करा सकते हैं। क्या बात है, और सिखा सकते हैं छोटे बच्चे। चलिए चलिए चलिए, वेरी गुड बेटा वेरी गुड, ऑल द बेस्ट बेटा। प्रतापपुर वाले हैं क्या? क्या नाम है? मेरा नाम विवेक जोशी है। गुड। तो विवेक भाई आपने क्या बना रखा बेटा, ये क्या है मतलब, ये क्या चीज दिखा रहे हैं? ये पाइथागोरस प्रमेय बना रखी है। अच्छा। इसमें हम ये हमारा कर्ण है हाइपोटेनस। ठीक ठीक ठीक। एंड ये बेस 13 सेंटीमीटर एंड ये परपेंडिकुलर 15 सेंटीमीटर लिया। अच्छा। यहाँ पे हाँ। और इसमें जो हमें हाइपोटेनस याद करना होता है एंड बेस हम भी निकाल सकते हैं, मतलब हमें दो भुजाएं देनी, दो भुजाओं का मान याद होना चाहिए। ये प्रमेय सिर्फ संपूर्ण त्रिभुज में लागू होती है। अच्छा हाँ। और क्लास 10 मैथ 8.1 एक्सरसाइज में इसका बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए बेटा गुड लक बेटा। थैंक यू। तो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बना रखे हैं, देखें आप कितने प्यारे प्यारे प्रोजेक्ट हैं बच्चों के, बाल वैज्ञानिकों द्वारा। गेम में ट्रांसफर कर देते हैं। हाँ हाँ। सब उसको वो मद्देनजर रखते हुए हमने बनाया है और क्या बात है, उसे बच्चे इसमें ज़्यादा ध्यान देंगे। वेरी गुड बेटा वेरी गुड। तो इसको यहाँ पे और दूसरे स्कूल की भी छात्राएं आई हैं। तो बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलिया है। आलिया, आलिया। आपका कौन से स्कूल से हैं आप लोग? वेलकम बेटा। तो आपने क्या बनाया स्पेशल है? अच्छा, कैसे मतलब अब बताएंगे इसके बारे में आपने क्या क्या इसमें? सर हमारे स्कूल में खाना खाया जाता है, शक्ति के छिलके होते हैं, हमने वहाँ पर वो उसको खाया, उससे हमारी खाद बन रही है। खाद बनने वाली वो किचन गार्डन में उपयोग हो रही है। इसमें हमने वाटर से जैसे कि वाटर पारदर्शिता होती है तो बहुत सारे श्रमिकों लोग उतना बिल जमा नहीं कर पाते तो वो उनकी लाइन कट जाती है, इसी कारण यहाँ पर हमने सोलर पैनल दिखाया है कि हम इससे अपने, ये देख रहे हैं आप ये सोलर प्लेटें लगी हुई हैं और सौर ऊर्जा से यानी जो सन एनर्जी जो आएगी सूरज की रोशनी से उसके प्लेट से पढ़ के फिर इलेक्ट्रिक उसमें बदलेगा फिर बैटरी से ना चार्ज होती है, फिर हम इसको हम अपने किसी भी उपयोग कोयले से बनाई जाती है तो प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है तो उससे कई तरह की बीमारियाँ भी उत्पन्न होती है, इसलिए यहाँ पर को सोलर प्लेट दिखाई है कि ना ही इससे हमारे पर्यावरण का हानि। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। घर पे भी तो उपयोग कर सकते हैं सीधे, जी हम इसे अपने घर पे भी उपयोग कर सकते हैं, स्कूल के साथ साथ अपने घर पे भी करेंगे क्योंकि जो ऊर्जा के वो संसाधन है वो सीमित है ना, क्यों नहीं आज नहीं तो कल उनका खत्म होने का डर है, ये अक्षय ऊर्जा के स्रोत है। राइट, वेरी गुड बेटा, ऑल द बेस्ट। फाइनली गाइस आपने देखा पूरे ब्लॉग में कि कैसे बच्चों ने अपने मॉडल्स और अपने प्रोजेक्ट से कितना अच्छा एक साइंस का एक प्रोजेक्ट तैयार किया है। सभी बच्चे बधाई के पात्र हैं और मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।